Greetings to all of you in the name of the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज की सुबह आप सबका अभिवादन करता हूँ. This is the last day of this week. और ये इस हफ्ते का अंतिम दिन है. Tomorrow being the first day, Sunday, it is a day of celebration. और कल का दिन एक नया दिन और हफ्ते का पहला दिन होगा और उत्सव का दिन होगा. And today's meditation is centered around to the Gospel according to St. John chapter 13. Verses 34 and 35. और आज के सुबह के मनन के लिए हमारा जो वचन है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 34वां और 35वां वचन. And it says here, और इस वचन में लिखा हुआ है, A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this all men will know that you are my disciples if you love one another. मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो. Starting from chapter 13 of the Gospel according to St. John, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय की शुरुआत करते हुए through chapter 17, और उससे 13वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक we have the seed germ of all the truth concerning all the doctrines. और हर एक हम इन अध्यायों में देखते हैं कि किस प्रकार वो रत्न बीजों के रत्न पाए जाते हैं हर एक सिद्धांत के रत्न इन सारे वचनों में. All the doctrines for the New Testament church. और नई वाचा की जो कलीसिया है उसके सारे सिद्धांत इन अध्यायों में पाए जाते हैं. This discourse in these chapters, और ये वार्तालाप और या ये बावचन जो इन अध्यायों में पाए जाते हैं, including chapter 17 which contains his intercessory prayer, और वो 17वां अध्याय को सम्मिलित करते हुए जिसमें हम उसकी मध्यस्थता की प्रार्थना को देखते हैं, takes us within 24 hours of his crucifixion. वो हमें ले जाते हैं उस 24 घंटे के उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय के ओर. What shall our Lord will say to his disciples? कि क्या हमारा परमेश्वर या हमारा प्रभु अपने चेलों से बोलेगा? What will be his words to them in this parting words? और क्या उसके वो अंतिम वचन होंगे अपने चेलों के लिए जब उस संसार से वो जाता है? These men walked and lived with Jesus Christ for 3.5 years. और ये लोग यीशु मसीह के संग चले और उसके संग उसकी सेवा करी लगभग 3.5 सालों तक. Still, spiritually, they are not very mature. लेकिन आत्मिक रूप से ये चेले फिर भी सयाने नहीं होने पाए. Their knowledge of the things of God is very little. और परमेश्वर की बातों के या उसके आत्मिक ज्ञान को जानने के लिए बड़ी कम समझ उनके पास थी. Now the time has arrived when he has to leave them. और एक समय अब आ चुका है जब अब यीशु मसीह को छोड़कर उन्हें जाना है. He spoke from a heart full of love for them. और उसने एक ऐसे हृदय से उनसे बात किया जो हृदय प्रेम से उनके लिए भरा हुआ था. He considered them as his own. क्योंकि वो इन चेलों को अपना समझता था. And therefore, let us look carefully into these verses of this portion of the scripture. और इसलिए आइए हम इस वचन की ओर थोड़ा अपना ध्यान लगाएं. And let me first give you a preview of these chapters. और आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं इन सारे अध्यायों के बारे में बड़े शेष में आपको बता दूं. In chapter 13, 13वें अध्याय में यूहन्ना के, he is the advocate making provision for their communion and fellowship. वो एक वकील के रूप में उनके लिए आता है ताकि उनकी सहभागिता के लिए एक मार्ग को खोलने पाए. If they are to be his disciples, और अगर उन्हें इन चेलों को उसका उसके चेले बनना है, they have to evidence it through their love. तब उन्हें अपने प्रेम के द्वारा इस चेलेपन को दिखाना होगा. And in chapter 14, यूहन्ना के 14वें अध्याय में, he speaks of his return. वो यीशु बात करता है अपने दोबारा आने के बारे में. If he goes away, अगर वो जाएगा, he is going to come back. तब वो वापस भी लौटेगा. Come back again and receive them to himself. और वो वापस आएगा ताकि इन चेलों को फिर से अपने संग ले जा सके. He speaks of the fact that he will send the Holy Spirit to
indwell them. और वो इस बात को बताता है कि कैसे वो पवित्र आत्मा को भेजेगा जो उनके भीतर अपने मंदिर को अपने घर को बनाएगा. And thus he will not leave them comfortless. और इसलिए इस पवित्र आत्मा के भेजे जाने के द्वारा वो इन चेलों को बिना सद्भावना के नहीं छोड़ेगा. And then in chapter 15, और यहोना के 15वें अध्याय में he speaks of himself as the vine. वो बात करता है अपने बारे में कि कैसे वो दाखलता है और वो सारे डालियां हैं. And he expects much fruit bearing from them. और वो ये आशा लगाता है कि ये सारे चेले कहीं ज्यादा फल लेकर के आए. Remember, there is only one purpose for the branch. और याद रखिए डालियों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, bring forth fruit. कि वो फल लेकर के आए. And bring forth fruit, much fruit. और बहुत ज्यादा फल लेकर के आए. Why it is important? और क्यों ये महत्वपूर्ण है? He says, by this my father is glorified. और वो कहता है कि इसके द्वारा मेरा पिता महिमामय हो जाता है. But you bear much fruit. जब तुम कहीं ज्यादा फल लेकर के आते हो. And then in chapter 16, और उसके बाद यहुन्ना के 16वें अध्याय में he declares himself to be the preeminent one. तब वो अपने बारे में इस घोषणा को करता है कि वो आदि से परमेश्वर था. He is the one of whom the Spirit of God will speak. और वो तो एक ऐसा है जिसके बारे में परमेश्वर की आत्मा बात करेगी. And the Spirit will teach them things concerning him. और वो आत्मा उन्हें सिखाएगा इन सारी बातों को उसके बारे में. And show them things to come. और वो आने वाली बातों के प्रति भी चीजों को उन्हें दिखाएगा. And then we come to chapter 17. और उसके बाद हम आते हैं यहोन्ना के 17वें अध्याय में. In this chapter, इस अध्याय में he revealed himself as the great intercessor. यीशु खुद को प्रकाशित करता है एक बड़ी मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाले के समान. As such, he is our ever living high priest. और ऐसे ही वो हमारा मुख्य याजक है, वो वरिष्ठ याजक है हमेशा के लिए. As he pleads with the Father on behalf of his disciples. जैसे कि वो हर समय अपने चेलों के लिए पिता के समुख प्रतिक्षण मध्यस्थता करता रहता है. Whom he is going to leave in this world. और उन्हें जिनको इस संसार में है वो छोड़ गया है. Now in this chapter, और इस अध्याय में he speaks 18 times of the world. वो 18 बार संसार के बारे में बोलता है. He knows the world. वो जानता है संसार को. He knows what is in the world. और वो जानता है कि संसार में है क्या. And he knows the world is a tremendous enemy of his disciples. और वो इस बात को भी जानता है कि ये संसार उसके चेलों के लिए एक बहुत बड़े शत्रु है. Therefore, इसलिए he prays for them. वो अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता है. Oh, what a wonderful savior. और कितना अद्भुत उद्धार करता हमारा. Very soon he will go to the cross and pay the tremendously important and wonderful price for our. बहुत जल्द ही इस अध्यायों के पश्चात हम देखेंगे कैसे यीशु उस क्रूस पर जाएगा कि उस बड़े बलिदान को चुकाकर अपने चेलों और सारे मनुष्य तत्व के लिए उस उद्धार को जीते. At the same time, लेकिन साथ ही साथ he does not forget them. वो अपने चेलों को भूलता नहीं. He prays to the Father. वो अपने पिता से प्रार्थना करता है. For protection. कि उनकी रक्षा करे. To keep them safe. कि उनको संभाले. Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful Savior. कितना अद्भुत उद्धार करता हमारे पास है. My brothers and sisters, he cares for you. मेरे भाइयों और बहनों, ये आप यीशु आपकी चिंता करता is full of compassion. वो दया से भरा हुआ is full of love. वो प्रेम से भरा हुआ he not only saved you, और ना केवल उसने आपको बचाया है. Now he is keeping you in that salvation. लेकिन वो तो आपको उस उद्धार में बनाए रखता है. And today also he intercedes for you at the right hand of God. और आज के दिन भी वो आपके लिए परमेश्वर पिता की दाहिने हाथ पर बैठकर मध्यस्थता कर रहा है. That is his ministry today. यही आज के दिन उसकी सेवकाई है. What a friend we have in Jesus. और कैसा मित्र प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास है. Oh, follow this friend. और इस मित्र के पीछे चले.
Be faithful to him. और इसके यीशु के प्रति विश्वास योग्य बने रहे. Be willing to pay any price for you to remain faithful to him and follow him. और कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहे कि आपको उसके पीछे चलना है. Because he loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है. We will be continuing lessons from this chapter. और इस अध्यायों से हम अपनी शिक्षा को जारी रखेंगे. But while, meanwhile. लेकिन तब तक. Just think of how much God thinks of you and how much he cares for you. लेकिन तब तक आप इस बात में जरूर सोचें और मनन करें कि कितना परमेश्वर आपके बारे में सोचता है और कितनी वो आपकी चिंता करता है. Sometimes we feel self-pity. और कई बार हमारे अंदर आत्मगिलानी आ जाती है. Oh, nobody cares for कि अरे मेरे बारे मेरे तो कोई चिंता नहीं nobody करता. Thinks of me. कोई मेरे बारे में सोचता नहीं. Nobody remembers me. कोई मुझे याद नहीं करता. But stop feeling self-pity. लेकिन ऐसी भावनाओं में मत जाएं. For argument's sake, think there is not a single person who cares for you. और मान लीजिए अगर ऐसा कोई भी नहीं है जो आपकी सोच सुधी नहीं लेता. Still you should not worry. तब भी आपको घबराना या चिंता नहीं करनी. क्यों? You have a true divine intercessor. क्योंकि आपके पास एक सच्चा स्वर्गीय मध्यस्था करने वाला God है. God the Son. और वो परमेश्वर पुत्र. In heaven. जो स्वर्ग में विराजमान right hand of God the Father. परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ की interceding for you. जो आपके लिए मध्यस्थता कर रहा and then you read Romans. और रोमियो की पुस्तक आप पढ़ें. God the Holy Spirit. और वो परमेश्वर पवित्र आत्मा. He comes to your aid in prayer. और जब आप प्रार्थना करते हैं वो आपकी सहायता के लिए आ जाता है. Sometimes you may not know what to pray. और कई बार आपको ये नहीं पता कि क्या प्रार्थना करनी है या कैसे प्रार्थना करनी है. But the Holy Spirit comes. लेकिन पवित्र आत्मा आता है. Hallelujah. Hallelujah. He takes up your groanings and your crying. और वो आपकी कराहने को आपके रोने को लेता है. Translates these in the words that and sent to God the Father. और इन बातों इन भावनाओं को शब्दों में बदल कर परमेश्वर पिता के पास ले जाता है. He cares for you. वो तो आपकी चिंता करता है. Therefore, इसलिए cast your burdens on him. अपने सारे बोझों को उस पर डाल दे. And be faithful to him. और उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहे. Be thankful to him. धन्यवादित बने रहे. Be a faithful follower. और विश्वास योग्य अनुयायियों के समान उसके नाम को ऊंचा उठाएं. Be prepared to pay anything as a price to remain faithful. और दाम चुकाने के लिए आप तैयार रहें किसी भी प्रकार के दाम को ताकि आप एक विश्वास योग्य अनुयायी बन सकें. God's blessing be upon you through this day. और इस दिन में परमेश्वर का आशीष आप सबके साथ हो. Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, Thank you for sending your son Jesus Christ. धन्यवाद अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजने के लिए. And now thank you for sending the Holy Spirit. और धन्यवाद कि अब हमारे आपने अपनी पवित्र आत्मा को भेजा. The Son came and provided the way of salvation. और वो पुत्र आया और उद्धार के मार्ग को हमारे लिए खोला. And the Holy Spirit came. और वो पवित्र आत्मा आया. He is now preparing us. और वो हमें meet you at your coming. और वो पवित्र आत्मा हमें तैयार कर रहा है ताकि हम आपसे मुलाकात करने पाएं. हमें आपकी आवश्यकता है. May we be found faithful at your coming. होने दे हम तेरे आगमन पर विश्वास योग्य पाए जाएं. All honor and glory to you, Father. सारा आदर और महिमा आप ही को मिले. Bless your people. अपने लोगों को आशीष Touch them today. उन्हें छू परमेश्वर. And heal them. उन्हें चंगा कर दे. And fill them with your spirit. और अपनी आत्मा से उन्हें भर दे. Use them for your glory. और उन्हें अपने महिमा के लिए उपयोग में ला. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God's blessing be upon you. परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर रहे. Amen. Amen.